ओम शांति। आज 25 मार्च 1986 का रिवाइज्ड कोर्स सुनेंगे। मार्च में होली का दिन आता है और आज होली के अवसर पर चले हुए बाबा के महावाक्य सुनेंगे। दुनिया वालों के रूप से, दुनिया वालों की रीत से होली का दिन एक दिन आता है पूरे वर्ष में और वो होली एक दिन मनाते हैं, लेकिन आज के महावाक्यों के सार के अनुसार बाबा कहते हैं ये संगम युग होली जीवन की युग है। और क्योंकि ये पूरा ही संगम युग हम बच्चों के लिए होली जीवन बनाने का युग है, इसलिए हमारे लिए तो रोज़ ही होली है। और हम सिर्फ होली मनाते नहीं, होली बनते हैं, होली करते हैं, माना पुराने संस्कारों को जलाते भी हैं। और होली मतलब पास्ट इज़ पास्ट, बीती सो बीती भी करते हैं। और ये जो होली बनने की प्रक्रिया, होली करने की प्रक्रिया, होली जलाने की प्रक्रिया, ये पूरे ही संगम युग चलती है। तो आज बाबा कहते हैं कि संगम युग होली जीवन की युग है, उसी के ऊपर बाबा के चले हुए महावाक्य आज सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्यसभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा के पास जो दृष्टि है, बाबा की दृष्टि से बाबा हमारा ऑरा या हमारे पर जो लाइट का चमकता हुआ पवित्रता का ताज है वो देख रहे हैं। बाबा हर आत्मा को उसकी ऑरा से पहचानते हैं। दुनिया वाले और हम स्वयं भी अपने आप को शरीर से पहचानते हैं, पर जब बाबा हमें देखते हैं तो बाबा हमें आत्मिक स्वरूप में ऊपर लाइट का चमकता हुआ ताज देखते हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। तो बाबा कहते ये एक दिन की भी नहीं, एक जन्म की भी नहीं, ये पावन बनने की रेखा तो बहुत लंबी है। 21 जन्मों की रेखा हम अभी खींच रहे हैं। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं, है ना। धर्मात्माएं, महात्माएं सभी अपनी पवित्रता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता की लकीर और हमारी पवित्रता की लकीर की लंबाई में अंतर है। वो तो एक जन्म पवित्र रहते होंगे, लेकिन हमारी पवित्रता की लकीर तो बहुत लंबी है ना। हमारी रेखा तो अनेक जन्मों की है। तो बाबा कहते कि सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उनों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, वो तो बहुत तपस्या करते हैं ना। महात्माएं तो बहुत ही तपस्या करते, लेकिन बाबा कहते आप तो बहुत सहज पावन बनते। सहज बन गए ना। कैसे सहज बन गए? क्योंकि हम पवित्रता के सागर के बच्चे बन गए,
तो हमें पवित्रता की स्मृति वर्षे में मिले हैं। वो तो पुरुषार्थ से पावन बनते, हमें तो पवित्रता वर्षे में मिलती है, क्योंकि हमारा बाप पवित्रता का सागर है, पतित पावन है। तो बाबा कहते कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं, क्योंकि स्मृति आ जाती कि हम पवित्रता के सागर की संतान हैं, पवित्र देश के निवासी हैं और हमारा आदि स्वरूप भी पवित्र है। माना हम सतयुग में भी, त्रेता युग में भी 21 जन्म पवित्र रहे, तो इस स्मृति से हमारी पवित्रता अविनाशी हो जाती। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। कौन सा अच्छा है, होली मनाना या होली बन जाना? तो बाबा कहते सोचो, वो तो एक दिन मनाते और आप तो परमात्मा रंग में रंग कर होली बन जाते। बाबा ने कहा ना, हमारा होली बनना भी, पवित्र बनना भी कोई मेहनत के आधार से नहीं, हम तो परमात्मा रंग में रंग कर होली बन जाते। ये बाबा कहते मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना तो जीवन के लिए होता है। वो दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है, तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया है ना। ये रंग भी ऐसा है जो उतर नहीं जाता एक जन्म के बाद या कुछ समय के बाद। ये रंग जो है ये एक बार लगता तो 21 जन्मों तक अविनाशी रहता। लग गया है रंग, हाँ, वर्षा लिया है। वर्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज बाबा ने कहा ना कि सुख शांति पवित्रता का तुम्हें वर्षा मिलता है, लेकिन वर्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा, है ना। बाबा तो हमारा बाप है ही, और बाबा आकर अपने बाप के रूप का फर्ज भी पूरा करता, लेकिन हमें बच्चा बनना पड़ेगा वर्षा लेने के लिए। और एक बार हम अच्छे बच्चे बन गए तो फिर हमें अविनाशी रंग लग जाता। तो बाबा कहते जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है, होली पे तो सभी को ये स्मृति होगी कि होली खेलना या होली का रंग लगाना वो 1-2 घंटे या 3-4 घंटे होता, और फिर 3-4 दिन ये मेहनत होती कि ये रंग उतारे कैसे। तो बाबा कहते ये तो रंग ऐसा है जो अविनाशी भी है और इसे तो मिटाने की भी आवश्यकता नहीं है। सदाकाल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत, निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। देखो कितना सुंदर वर्षा। बाबा कहते संगम युग का सुख क्या है कि निराकार बाप के समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप के समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं?
कि प्रभु के रंग में हम रंगे और दूसरे को अपने रंग में रंग दे। तो बाबा कहते ऐसा पक्का रंग लगाओ कि वो भी आप समान बन जाए। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी रंग चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते कि कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्वतः सदा बन जाए, ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। सारे रंग लगे हैं या कोई रंग बाकी है? बच्चों को ये भी शौक होता है ना होली पर कि सारे रंग लगाने हैं, कोई एक भी रंग छूटना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते बाबा कितने सारे अविनाशी रंग लाते, सब लगा लिए या कोई छूट भी गए हैं? तो बाबा कहते होली बन गए अर्थात होली हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुण हैं वैसा रूप बन जाते हैं। हम तो गुणों का रंग लगाते और वो क्या करते, शरीर को रंग लगाते। उसी समय कोई उनका फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वो होली मनाकर क्या बन जाते हैं और आप होली मनाते हो तो क्या बन जाते हो? तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। है तो सारे पर्व हमारे ही यादगार, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आत्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए हर त्योहार को बड़े जिस्मानी तरीके से मनाने लगे या बहुत एक्सटर्नल या मटेरियल तरीके से मनाने लगे। जैसे आप देखो कि जैसे जैसे बाबा आते तो फिर दुनिया में भी ये वाले मैसेज फैलते। आजकल मैं देखती हूँ कि जैसे दशहरा आएगा तो सभी फिर वो जो सारे सर हैं उसके ऊपर नाम लिखेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, सिर्फ ज्ञानी नहीं अज्ञानी भी, और फिर बोलेंगे इसको मारना है, इस रावण को। या फिर होली आएगी तो कई रंग लिखेंगे और सुख शांति का रंग आपके जीवन में आए, इस प्रकार से भी मैसेज भेजेंगे। तो आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण सब कुछ जिस्मानी रूप से मनाने लगे थे, लेकिन जब से बाबा आए तो धीरे धीरे ये भी जो चेतना है ये फैलती जाती है कि ये सारे पर्व जो है इनका सिंबॉलिक मीनिंग है या आध्यात्मिक अर्थ है, और कुछ ना कुछ दुनिया में इनको मनाने का परिवर्तन भी आने लगा है। तो बाबा कहते बाहर मुखता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। तो वो तो मंगल मिलन होता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में गले तो लग जाते हैं लेकिन जंगल में मंगल मिलन क्या होगा? तो दिल के जो वैर हैं ना तो वो जलते, ना ही कोई अंदर से खुशी मना पाते और ना ही कोई मंगल मिलन होता। लेकिन बाबा कहते तुम तो यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाते हो। तो बाबा कहते होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन तीन विशेषताओं से ही यादगार बना हुआ है, जो वो बाहर मुखी रूप से वो यादगार मनाते हैं ना। तो बाबा कहते क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले क्या किया, पहले जलाया। क्या जलाया? पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ, सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया।
अब देखो, जैसे दुनिया में भी कोई भी किसी के संग रहना चाहता है तो उसको समान बनना होता है। जैसे आपको अगर एक बच्चे से बात करनी है तो आपको भी बच्चा बनना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते, बाबा का रंग मुझे लगे या मैं बाप के रंग में रंगूं, इसके लिए पहले क्या करना पड़ता? पहले जो और रंग लगे हुए हैं, जो पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, उनको योग अग्नि में जलाना पड़ता है। तो पहले तपस्या आती है, जब तपस्या आती तब जाकर फिर हमारा मिलन बनता, या पहले रंग लगता बाबा का, वो तपस्या के आधार से ही लगता। अगर पहले पुराने संस्कार स्वभावों को ना जलाएं, तो अपने आप को पवित्र आत्मा की स्थिति में स्थित ना करें, तो बाबा का रंग जो है वो चढ़ता नहीं है। वैसे भी आप देखना, जैसे दुनिया में रंगते भी हैं ना कपड़े, तो क्या होता कि सफ़ेद कपड़ा होगा तो उस पर कोई भी रंग चढ़ाना बहुत आसान होता, और जो ऑलरेडी रंगा हुआ हो उस पर रंग बहुत मुश्किल चढ़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते, पहले क्या करना पड़ता? पुराने स्वभावों को, संस्कारों को पहले जलाना होता योग अग्नि में, तब बाबा का रंग हम पर लगता। और जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। और जब बाबा का रंग लग जाता तो बाबा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होने के कारण हर एक से भाई भाई का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता। और फिर क्योंकि बाबा बीच में है तो कभी भी खिचपिट नहीं होती, सबसे मंगल मिलन मनाते रहते। तो बाबा कहते, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। क्योंकि जब हम रंगे हुए होते हैं तो किसी से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ रंग तो उनको भी चढ़ी जाता है। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझकर गले मिलना। गले मिलना कोई जिस्मानी रूप से ज़रूरी नहीं है, गले मिलना माना उस आत्मा को स्वीकार करना, प्यार से भाई के रूप में उसको श्रेष्ठ आत्मा समझना, ये होता है गले मिलना। तो बाबा कहते, ये बाप के बच्चे हैं। क्या संकल्प आना चाहिए? ये बाप के बच्चे हैं। ऐसा कोई पिता है दुनिया में जिसके बच्चे से आप नफरत करो और वो पिता आपको प्यार करे? ऐसा नहीं होता। तो ये संकल्प आते ही कि ये बाप के बच्चे हैं, तो उस बच्चे के लिए आप ही ये अनुभव होता कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, उसके लिए सम्मान और प्यार का अनुभव होता। तो बाबा कहते, ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। क्योंकि जब हम प्रेम स्वरूप रहते तो वो भी पुरानी बातें भूलकर अपने प्रेम स्वरूप में आ जाते, वो भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना, अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वो लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं, है ना? वो तो उदासी से भाग रहे हैं। दुनिया में हर कर्म जो है वो खुश होकर नहीं कर रहे, खुशी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उदास हैं तो सोचते हैं ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो करेंगे तो खुशी मिलेगी। लेकिन हम बाबा के बच्चे कोई भी चीज़ खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं करते, क्योंकि जब हमें बाबा मिला तो हमें सुख शांति पवित्रता तो वर्षे के रूप में मिल गई। बाकी हम जो भी करते वो खुश होकर करते, और इससे अन्यों को भी खुशी मिलती।
तो बाबा कहते, आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंछते हैं क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते, है ना। तो मूंछ, मूंछ माना प्रश्न चिन्ह। बाबा कहते हैं ना, प्रश्न चिन्ह टेढ़ा होता है। तो जैसे क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ, ये प्रश्न आएंगे तो टेढ़े हो जाएंगे, मौज की जगह मूंछ हो जाएगी। तो बाबा कहते, आप तो त्रिकालदर्शी बन गए, तो फिर क्या क्यों कैसे ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हो ना, क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए, है ना। बच्चा थोड़ी पूछता है एग्ज़ाम क्यों आया, पता है क्यों आया, ताकि मैं पास हूँ और मेरी प्रमोशन हो। तो कोई भी बात में हम ये नहीं पूछते क्यों आया, पेपर है आगे बढ़ाने के लिए आया। क्यों हुआ, नथिंग न्यू, है ना। क्यों हुआ, नथिंग न्यू, कि क्यों हुआ तब पूछेंगे ना जब कंफ्यूज होंगे। पता है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ये तो हर कल्प होता है, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई है और चली गई, ठीक है। तो कैसे हुआ भी नहीं, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो कैसे नहीं, ये तो रेगुलर है, माया आती है, हम कोई गुण या शक्ति जो पहले धारण नहीं थी उसको बाबा से ले लेते हैं उस समय। जैसे आप देखो, जीवन में कोई कला नहीं सीखी होती या कोई काम नहीं सीखा होता, फिर परिस्थिति में उसे सीख लेते हैं, तो वो कला वो काम की स्किल हमारे साथ रह जाती है। ऐसे ही माया आती है, बाबा से हम वो गुण शक्ति ले लेते हैं, माया अपना काम कर कर चली जाती है, हम और मजबूत हो जाते हैं। तो बाबा कहते, तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंछते नहीं हैं। पूछते हो आप लोग कोई परिस्थिति आती है क्या क्यों कैसे, हाँ। तो अगर पूछते हैं तो माना त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी माना वैसे बैठे सीधा हैं, लेकिन तीनों कालों बुद्धि में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बात आई तो समझ आता है क्यों आई, क्यों आई, क्योंकि पिछले कर्मों के अनुसार जो भी परिस्थिति आनी है वो आनी है, और इस समय वो आई है तो बाबा मेरे साथ है, मेरे पास इससे डील करने की शक्ति है, तो ये नथिंग न्यू है। और ये भी पता है कि भविष्य में क्या है, विजय निश्चित है, तो इसीलिए बिना चिंता के बिना फिक्र के उस परिस्थिति को क्रॉस करते हैं। तो बाबा कहते, क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्स पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जाने कि क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं, पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं, कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, फ्यूचर भी मालूम है ना, कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, यानी पास्ट इज पास्ट, ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली भी होती है, और बिंदी लगाने की होली भी आती है जिसमें बिंदी लगाते हैं। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना, तो जलाना भी आता है, रंग में रंगना भी आता है, बिंदी लगाना भी आता है, और मंगल मिलन मनाना भी आता है। आता है ना चारों प्रकार से होली खेलना, हाँ। तो क्या क्या आता है, होली माना जलाना, होली माना बाबा के रंग में रंगना, और होली माना होली, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगा लेना, ये होली मनाना भी आता है। और चौथा, बाबा से मंगल मिलन मनाना, ये वाली होली भी आती है।
तो बाबा कहते चारों ही प्रकार की होली आती है ना, अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना, तो चारों तरफ से टाइट करना है, बिंदी भी लगानी है, पास्ट के संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाना भी है, बाबा से मंगल मिलन भी मनाना है और बाबा का रंग भी अपने पे चढ़ाना है ना। तो बाबा कहते ये चारों तरफ से ताज को टाइट कर देना है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो बाबा का रंग लगेगा तो हम भी संपन्न बन जाएंगे और संपूर्ण बन जाएंगे। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, है ना, कहते हैं ना हम पूरे नहीं हैं पर परसेंटेज है, तो बाबा कहते कब तक, संपन्न और संपूर्ण तो बनना है ना। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होती, बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं हो, सहज है ना। जिससे स्नेह होता है ना उसके जैसा बनने में बहुत आनंद आता है, तो स्नेही हो तो समान क्यों नहीं हो, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा सब, तो बाबा कहते आज मलेशिया का ग्रुप है साउथ ईस्ट, सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे, परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा, रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया, सब एक ही स्टीमर पे बैठे थे सतयुग त्रेता युग में, और उसके बाद स्टीमर टूट गया और सब आत्माएं जो एक धर्म एक भाषा एक राज्य एक कुल एक मत के धागे में पिरोई हुई थी वो अनेक स्थानों पर बिखर गई। और बाबा अभी अपने सारे बच्चों को इकट्ठा कर कर एक ही स्टीमर में फिर बिठा रहे हैं, एक ही माला में फिर पिरो रहे हैं। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए, जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना देवताई, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से फिर पहुंच गए। सारे विश्व में फैल गए थे, ये बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया है ना। तो बाबा कहते तुम वहाँ निमित्त बने तो जो बाकी तुम्हारे हमजिन्स वहाँ बिखरे पड़े थे उनको तुमने इकट्ठा किया। तो बाबा कहते कि विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए, सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसीलिए कोने कोने में पहुँच गए हो, सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं ना, मुख्य धर्मों में भी पहुंच गए, मुख्य प्रांतों में कल्चर्स में मुख्य अलग अलग देशों में तो सब जगह पहुंचे हुए हैं। जो ब्राह्मण कुल की 33 करोड़ आत्माएं थी वो हर जगह बिखरी हुई हैं, तो उनको इकट्ठा करने के लिए जो निमित्त बनने वाले थे वो भी बिखरे हुए हैं और वो फिर उनको एकजुट कर रहे हैं। तो बाबा कहते एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते ज़रूर हैं, बाप दादा को भी 5,000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है, आप सबको भी खुशी होती है ना, पहुंच तो गए मिल तो गए है ना। कोई बिछड़ा बच्चा अपने पिता से मिलता है तो कितनी खुशी उसे होती है, और सचमुच नज़दीक रहने वाले को इतनी खुशी नहीं होती जितना दूर से आकर मिलने वाले को होती है ना। तो बाबा कहते मलेशिया का कोई वीआईपी भी वीआईपी अभी तक नहीं आया है। अब बाबा उनको इशारा देते कि ऐसे माइक तैयार करो
जो जल्दी जो आत्माएं हैं वो सुजाग हो सके। सेवा के लक्ष्य से उनको भी निमित्त बनाया जाता है, सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उनको आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, उनसे उनके द्वारा सेवा बहुत सहज हो जाती है, इसलिए बाबा कहते सेवा के रूप से उनको निमित्त बनाओ उनकी सेवा कर कर। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना, कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वो माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रतन पहुँचते हैं तो रतन फिर रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितने खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया भी गाते हैं, है ना। और परिवार का सदस्य कोई अभी तक बाहर भटक रहा हो तो दिल को चैन भी नहीं आता। जब तक उसको ढूंढ कर परिवार में ना ले आए तो ऐसा रहता, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा, क्या दुख पा रहा होगा। हम तो यहाँ सुख मौज में बाप दादा की छत्र छाया में हैं और हमारा परिवार वाला कहाँ भटक रहा होगा। तो उसको ढूंढने का, बाप का परिचय देने का ऊना भी रहता है। तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे, निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं, है ना, क्योंकि बाबा हमें इस लायक बना पाता कि किसी को सुख देते तो उस आत्मा की दुआओं की माला, शुक्रिया की माला बहुत पड़ती है। अच्छा, आज दूसरे भी अव्यक्त महावाक्य हैं जिनका सार है अखंड महादानी बनो। एक तो महादानी बनो, माना अपने सर्व खजाने विश्व कल्याण की सेवा अर्थ, विश्व कल्याण अर्थ खर्च करो। दूसरा बाबा कहते अखंड महादानी, माना निरंतर इस सेवा पर तत्पर रहने वाले बनो। तो बाबा कहते महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी, है ना। यदि हम ऐसा नहीं करते तो क्या कहलाएंगे, समझ आया। हम समझते हैं कि हमें जो मिला उसे यदि हम सेवा अर्थ सर्व आत्माओं के प्रति यूज करते हैं तो हम दान देते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, अगर हम नहीं करते हैं तो हम स्वार्थी हैं। क्योंकि स्व के अर्थ खर्च करने के लिए इतना खजाना हमें नहीं मिला है, ये मिला ही सेवा अर्थ है। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। अपने आप को पहचानते हो, मैं आत्मा तो हूँ पर मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं देवता आत्मा हूँ, देव आत्मा, देना मेरा नेचुरल संस्कार है। तो बाबा कहते सागर के बच्चे, जैसे बाबा सागर है, अखुट है, संपन्न है, जैसे बाबा को शिव कहते हैं, माना सदा कल्याणकारी, ऐसे हम बच्चे भी मास्टर हैं, हम भी उन अखंड अखुट खजानों के मालिक हैं और हम भी बाबा के ही संस्कार रखते हैं महादानी बने के। जो भी संबंध में, तो बाबा कहते तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त वह साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे
कीने भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। और फिर बाबा ने कहा ना, शुक्रिया की मालाएं गले में पड़ेंगी। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना किसका है? खुशी का। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा। हमें किस चीज़ की खुशी है? जिस चीज़ की हमें खुशी है वो खुशी में हम स्थित रहें और फिर उसका दान दूसरों को भी दें, तो वो हमारे लिए धन्यवाद के गीत गाएंगे। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। पर पहले हम समझें कि हमें खुशी किस चीज़ की है। क्या हमारी खुशी अतींद्रिय है? क्योंकि इंद्रिय खुशी का दान नहीं दिया जा सकता, अतींद्रिय खुशी का दान दिया जाता है। क्योंकि इंद्रिय खुशी का दान यदि दिया, यदि हमें इस बात की खुशी है कि मैं कंफर्टेबल सोफ़ा पर बैठी हूँ और किसी दूसरे को कंफर्टेबल सोफ़ा दी, तो फिर क्या हुआ? उसका और ही संस्कार जो है डिपेंडेंस का बना। लेकिन अगर अतींद्रिय सुख, अतींद्रिय खुशी है, किस बात की खुशी? कि मुझे ये समझ आ गया है मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अपने देह देह के बंधनों से, उनके दुखों से उपराम हो गई हूँ, तो वो खुशी का दान अगर दूसरे को देते तो वो भी धन्यवाद के गीत गाते। तो पहले तो अपनी खुशी अतींद्रिय हो, क्योंकि बाबा से हमें जो खुशी का खजाना मिलता वो अतींद्रिय खुशी का खजाना है। तो बाबा कहते इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिंस को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। खुदात्मिक स्थिति में स्थित है तो हमारे मस्तक के द्वारा दूसरे को अपने स्वस्वरूप की स्मृति आती है। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। बाबा कहते ना, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्म योगी बनने का वरदान दो। हमारे हाथ, जब हम कर्म करते हाथों से तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? सहज योगी, कर्म योगी। हम कर्म करते जैसे साइलेंस की शक्ति को जमा कर रहे हैं, तो दूसरे को भी यही वरदान मिल जाता कि हाथों से कर्म करते भी कैसे सहज योगी, कर्म योगी अवस्था हो सकती। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याणार्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। पहले तो इंटेंशन रखना होगा ना कि मुझे कमज़ोर को शक्तिशाली बनाना है। मुझे ये नहीं सोचना है मुझे सब शक्तिशाली मिले, मुझे सारी परिस्थितियाँ अनुकूल मिले, नहीं, पर विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना सकती हूँ, कमज़ोर को शक्तिशाली बना सकती हूँ।
वायुमंडल वृत्ति कैसी भी हो उसे मैं परिवर्तन कर सकती हूँ। तो बाबा कहते ऐसा संकल्प रखो पहले, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन, पहले मैं बदलूं, मैं करूं, मैं दूं, मुझे निर्माण बनना है, मैं झुकूं, सामने वाला झुके इसके लिए योग नहीं लगाना है, सामने वाला दे परिस्थिति अनुकूल हो जाए इसके लिए योग नहीं लगाना है, कोई मुझे सहयोग दे इसके लिए योग नहीं, मैं दूं तो आप ही उसका दिल पसीजेगा। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। ऐसी दातापन की विशेषता है सदा देने का, करने का, मैं पहले झुकूं, मैं पहले करूं, ये संकल्प रहता है, या हम सोचते हैं पहले उधर से ठीक हो जाए। तो महादानी समझा, खुशी का दान देना, विशेषताओं का दान देना, हर कर्मेंद्रियों से दान देना, है ना, दातापन की विशेषता का दान देना। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूरत बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूरत बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, है ना, इतना कैजुअल नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। अनुभव का खजाना जिस आत्मा को मिल जाता है उस आत्मा में बहुत अथॉरिटी, बहुत शक्ति होती है। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माएं आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य दो, अपने अनुभव से उनको लाभान्वित करो। हमें अनुभव है ना हर गुण का, हर शक्ति का, तो उन अनुभवों को भी उनको बांटो, अनुभवों का दान दो, उन्हें भी अनुभवी बनाओ। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा, क्योंकि आपके अनुभव में की स्मृति में स्थित हो, वो अपने अनुभव रचेंगे, तो वो आपको जो अभी धन्यवाद करेंगे फिर भक्ति में आपका पूजन गायन करेंगे। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो, जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी, इसमें महादानी बनो, है ना। धन भी किसी के पास होता है तो यूज़ करते हैं तब तो खुशी मिलती है ना, ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें अनुभवों का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सबका खजाना मिला, उसको यूज़ करो स्व प्रति भी और औरों के प्रति भी, तो खुशी मिलेगी। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है, अब सबसे बड़ा दान पवित्रता का दान, और पवित्रता का दान देने के लिए पवित्रता की मजबूत धारणा चाहिए। आपको देखकर, आपकी वृत्ति और वायुमंडल के प्रभाव में, आपकी जीवन के प्रभाव में कोई आत्मा पवित्र बने, अपने विकारों के संस्कार को बलिहार कर दे, ये दान सबसे बड़ा दान है।
पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। बाबा कहते हैं, दुनिया में कोई सुसाइड करता है ना तो जीव घात होता है, कहते उसे आत्महत्या है, लेकिन आत्मा नहीं मरती, वो शरीर को मार देते हैं तो वो जीव घात है, लेकिन कोई काम विकार में जाते ना तो वो आत्मघात है, क्योंकि आत्मा की सारी शक्तियाँ खो जाती जब आत्मा देह के रस में रच जाती। तो बाबा कहते आत्मघात महापाप से बचाना ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन, प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, तो बिल्कुल जो अशक्त है, निर्बल है, कमज़ोर है, उसको दो। बेसहारे को सहारा दिया जाता है, तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं क्योंकि जो बाप से ले रहा है उसको क्यों देना है, जो बाप से डायरेक्ट नहीं ले पा रहे उनको देना है ना। वो तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों का दान नहीं देती, वो सहयोग देती है तन का मन का धन का। बाकी जो दुनिया की आत्माएं हैं उनको ज्ञान गुण शक्तियों का दान देना है, क्योंकि उनके पास वो खजाना नहीं है। और यहाँ महादान नहीं देना, क्योंकि यहाँ तो सबको महादानी बनाने वाले के भंडारे से सब कुछ मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं आपस में सहयोगी बनो और कमज़ोर आत्माओं के प्रति महादानी बनो। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंसपन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के बामालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते, ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना ही है, बताए ना, अविनाशी लंगर लगाओ, कोई आत्मा आपके भंडारे से खाली ना जाए। चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति, ना, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है
अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। बाबा आज भी कहते हैं अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज और डाइट है, तो बाबा कहते हैं अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो, तो स्वयं को तंदुरुस्त बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।